हेलो फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज चल रही है द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसका जो अपनी कहानी चल रही है अभी तल्ला देश मैन ईटर, कल उसका एक पार्ट कवर कर दिया था, आज दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा स्टार्ट करूँ उसके पहले एक ज़रूरी काम, मेरे एक सब्सक्राइबर है कुणाल जी, उन्होंने बोला था उनकी छोटी बेटी भी मेरी सब्सक्राइबर है और वो चाहती है कि मैं उसका नाम स्टोरी में लूँ। कल मैं इतना बिजी था कि पता नहीं क्यों कैसे मैं ध्यान ही नहीं रहा, सो उनका दोबारा कमेंट आया तो मैं एक बार कुणाल जी का कमेंट भूल सकता हूँ, उनकी बेटी का नहीं भूल सकता। तो उनकी बेटी का नाम है याना, बड़ा प्यारा नाम है। तो याना, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तो जिम कॉरेट बोलते हैं कि हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। कल हम जहाँ थे, जहाँ पे कि हीली के साथ जब ये नदी में जा रहे थे, तो एक जगह उन्होंने बोला था भाई दिखाओ कहाँ पे तुमने वो लाइट वगैरह देखी थी, जो इन्होंने अंधेरी रात में लाइट्स वगैरह चमकती हुई देखी थी। तो उस घटना, वो तो ये टाइगर की स्टोरी से अलग घटना थी। अब कॉरेट बोलते हैं अपनी स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। अब ये बताते हैं जो गंगाराम जो इनके साथ था, बोले वो ऐसा इंसान था जो कितनी भी दूरी नाप सकता था एक दिन में। कुमाऊं में जितने एक्सपर्ट पहाड़ी होते हैं उनकी तरह से वो इनके साथ रह गया था, इनका कैमरा और इनके कुछ भारी सामान उठाने के लिए। तो ये पहुंच गए जहां इन्होंने अपने 6 गढ़वाली साथी छोड़े थे, क्योंकि ये तो गवर्नर साहब के साथ आ गए थे, तो उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगले 6 घंटे तक लगातार चलते रहे, कहीं भी रुके नहीं, शारदा नदी क्रॉस करी, सारे पहाड़ी पहाड़ वगैरह क्रॉस करते हुए चलते ही रहे। ये वाया काला डूंगा और चुका होते हुए आगे गए। इनको दूर उस पार जाना था जहां इनका मेन मकसद था, और वो था तल्ला देश मैनिटर। दोपहर में थोड़ी देर के रुके, खाना वगैरह पकाया खाया और उसके बाद फिर चल पड़े, क्योंकि इनको चढ़ना था 4,000 फुट की ऊंचाई तक, मतलब जहां थे वहां से 4,000 ऊपर, समुद्र तल से 4,000 नहीं। अप्रैल के दिन थे, गर्मी पड़ रही थी और इन्होंने जो ये चढ़ाई चढ़ी 4,000 फुट की, बोल रहे हैं इतनी कठिन चढ़ाई मेरे और मेरे आदमियों ने बहुत ही कम, शायद इसके पहले कभी चढ़ी नहीं थी, पसीने से तर बतर हो गए और ये चढ़ते रहे। अब जो ये रोड बोलो जो है या जो ट्रैक बोलो, इस तरह का था, सीधा चढ़ रहा था, वरना पहाड़ पे क्या होता है ऐसे जिगजैग हेयर पिन बेंड्स होते हैं, तो उससे क्या है थोड़ा रोड आसान हो जाता है चढ़ना, वो ऐसा नहीं था, एकदम सीधा चढ़ रहा था, तो खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी। अब बीच बीच में रुकते रहे क्योंकि इनकी तो सांस फूल रही थी। करते करते शाम ढले तक ये एक हैमलेट में आ गए, छोटा सा गांव था। अब ये जो गांव था, जो चोटी थी उससे 1,000 फीट की दूरी पर था। अच्छा, जब ये चुका से होके गुजर रहे थे तो लोगों ने मना किया था कि साहब उस छोटे से गांव में मत रुकना, क्योंकि वो इकलौता आबादी वाला क्षेत्र है उस इलाके का, और वो जो तल्ला देश मैनिटर है अक्सर आता जाता है, क्योंकि उसको आदमी चाहिए होते हैं और वो यहीं मिलते हैं। अब कॉरेट बोलते हैं मैन ईटर हो ना हो कोई चारा नहीं था, रुकने की वही जगह थी, तो कुछ दूरी पर ही वो गांव था और उस गांव की जो फैमिलीज थी बड़ी खुश हुई जब उन्होंने देखा कि जिम कॉर्बेट आए हैं। छोटा सा गांव था, 2-3 घर थे, तो जो इनके आदमियों को रुकने की जगह थी वो तो दरवाजे के अंदर दे दी गई। इनके पास बंदूक थी तो ये डरते नहीं थे, तो एक पेड़ के नीचे इन्होंने अपना टेंट लगाया। वहीं पास में एक स्प्रिंग था जहां से ये फैमिलीज अपना पानी भरते थे। कंपनी के लिए एक लालटेन थी, बंदूक तो थी ही। अब ये रात को अपने गद्दे पे लेटे लेटे सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे क्या करना है। बिल बेंस जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनके इंस्ट्रक्शंस आ चुके थे गांव में पूरे इलाके में, किसी को भी कोई वो मैन ईटर जिसको भी मार दे, चाहे आदमी को मारे चाहे जानवर को, उसको छेड़ा ना जाए, जिम कॉर्बेट ही करेंगे जो करना है। अब जो इनको खबर दी थी पेशकार ने कि एक बच्चा मारा गया है 4 दिन पहले, अब 2 दिन और बीत चुके थे, तो 6 दिन पहले की कहानी थी ये। अब जब ये टनकपुर में उतरे थे, इनको पता था कि 4 दिन हो चुके हैं, बच्चे को टाइगर ने पूरा खा लिया होगा, जल्दी जल्दी भाग के कोई फायदा नहीं है, तो वो खा तो पूरा लेगा लेकिन अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तो वो उस इलाके में बना रहेगा दूसरे शिकार के चक्कर में। अब ये चाहते तो थे कि भैंस बांध दी जाए उसी दिन, लेकिन चढ़ाई इतनी कठिन थी कि इनकी हिम्मत नहीं हुई, 1 दिन का और डिले हो गया, तो बड़े परेशान थे कि एक तो डिले पहले से था और डिले हो गया, ऐसा ना हो कि वो टाइगर ये जगह छोड़ के चला जाए। अब ये टाइगर गया तो नहीं था छोड़ के, लेकिन कॉरेट बोलते हैं कि वैसे मेरा कुमाऊं का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। जैसे अभी आपने देखा चुका मैनिटर इन्होंने मारा था, चुका से होके ही यहाँ आए, तो पूरे इलाके ये जानते थे, लेकिन इस स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे तल्ला देश जहाँ पे अभी ये काम कर रहे थे, यहाँ पे इनको ज्यादा आइडिया नहीं था एरिया के बारे में। दूसरी बात, ये टाइगर 8 साल से मैनिटर था और इसने करीब 150 आदमी मारे थे, तो कॉर्बेट समझ गए कि छोटे मोटे एरिया में काम नहीं कर रहा, जब 150 आदमी मारे हैं तो काफी बड़ा और वास्ट एरिया है इसका। तो ये बोल रहे थे कि अगर इस एरिया को छोड़ के चला गया तो पता नहीं किस एरिया में जाएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एरिया है, फिर उसको ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना, यही इनके उधेड़बुन चल रही थी इनके दिमाग में। करते करते इनको नींद आ गई। अब इनको सुबह सुबह जल्दी चलना था, ये सो रहे थे, तो गंगाराम आए, उन्होंने इनको उठाया, और वो उठाया क्योंकि
रात को इनकी लालटेन जो है बुझ गई थी, तेल खत्म हो गया था, तो तेल डाल के गंगाराम ने लालटेन दोबारा जलाई। अब इन्होंने जल्दी जल्दी नहाया, पास में जो स्प्रिंग थी जिसके पास में इन्होंने टेंट लगाया था, तब तक में सूरज उग रहा था, नेपाल की पहाड़ी के पीछे से दिख रहा था। फिर उन्होंने ऑयलिंग करी अपनी बंदूक 0.275 रिग्बी माउजर राइफल, अब उसमें 5 राउंड्स लोड किए मैगजीन के अंदर। अब ये चलने के हुए, लेकिन आपस में जो कम्युनिकेशन होता था एक गांव से दूसरे गांव का, वो एकदम खत्म हो गया था, क्योंकि लोग आने ही बंद हो गए थे। ये छोटा सा गांव था। इनसे उन्होंने पूछा, भाई और कुछ पता चला कहीं, क्या मारा है क्या है? तो उनको नहीं मालूम था। इन्होंने पूछा कि एक बच्चा मार दिया है 6 दिन पहले, तो बोले नहीं साहब हमें नहीं मालूम, क्योंकि कोई खबर ही नहीं आ रही थी इन तक। अब जब उनको मालूम ही नहीं था बच्चा कहाँ मारा है, तो उनसे कॉर्पोरेट ने पूछा, भाई कितनी दूर जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो उनको कोई आइडिया नहीं था, उनको पता ही नहीं था क्या हुआ है, किस जगह हुआ है। अब कॉर्पोरेट ने अपने आदमियों से बोला, भाई अच्छी तरह से खाना खा लो पेट भर के, क्योंकि अगला खाना कितने बजे मिलेगा हमें नहीं मालूम, चलना मेरे पीछे पीछे, साथ साथ चलना, दूर दूर मत रहना, और जहां बैठने का दिल करे खुले में बैठना, जंगल के बीचों बीच मत बैठ जाना, क्योंकि हम चल रहे हैं तल्ला देश मैनिटर की टेरिटरी में। अब ये उसी रास्ते में पहुंच गए जहां कल इनका चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए रुके कि तो व्यू एंजॉय कर ले, क्योंकि कल तो भागम भागी थी, तो आराम से व्यू देखने लगे शारदा नदी का। अब पूरे मिस्ट से बड़ा सुंदर नजारा था, एक रिबन की, सिल्वर रिबन की तरह से शारदा रिवर जा रही थी, पीछे टनकपुर दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत नजारा था, इनका दिल खुश हो गया। अब दूर से इनको चुका गांव भी दिख रहा था, हालांकि बड़े मतलब जो वो कोहरा टाइप का जो होता है ना, जो मिस्ट होती है, जो फॉग टाइप का होता है, उसके बावजूद इनको चुका गांव दिख रहा था, और चुका से जो 3 किलोमीटर ऊपर, 3 मील ऊपर ठाक गांव था, उसका भी ट्रैक इनको वहां से नजर आ रहा था। अब इनको यादें आने लगी कि इनको इस रास्ते का एक एक फुट पता है, क्योंकि उन्होंने मारा था ठाक मैनिटर को, इसी पे चलते थे, भैंसे बांधते थे, सब कुछ करते थे, टाइगर के पगमार्क देखा करते थे। या फिर वो जिक्र करते हैं कि ठाक गांव गिफ्ट में दिया था चांद राजाओं ने पूर्णागिरी मंदिर की देखभाल करने के लिए। बोले जो ठाक से जो यहाँ के पुजारी रहते थे, वो पूर्णागिरी मंदिर को सुबह सुबह सूरज की किरणों में नहाता हुआ देखते थे, और बड़ा ही गजब नजारा होता था। कॉर्ड बोलते हैं कि 25 साल बीत गए मुझे अपने इस इलाके का व्यू कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कभी तल्ला देश नहीं आए थे, तल्ला देश से जो नज़ारा देख रहे हैं उस इलाके का, क्योंकि बाकी इलाका जो उन्होंने कोना कोना देखा हुआ था। लेकिन बोले समय जो यादें हैं ना, उनको धुंधला नहीं करता, मुझे एक एक याद अभी तक पूरी तरह से याद है जो इन 25 सालों में हुआ इस इलाके में। लेकिन बोल रहे हैं जो आजकल का घटनाक्रम है, 5 दिन का मेरा तल्ला देश मैन ईटर का जो ट्रिप है, ये तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। लाइट चली गई, लेकिन अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा नीचे मॉल में, तो ये बैकअप लाइट ठीक है। तो बोले कि तल्ला देश की जो जर्नी है ये तो ताजी ताजी है, 25 साल की कुछ यादें धुंधली हैं, कुछ उजली है, लेकिन बड़ा अच्छा यादें हैं और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जब ये वहां से ऊपर चढ़े तो उनको एक अच्छी 6 फिट चौड़ी रोड मिल गई, जिसमें जंगल भी था, जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, गांव से भी आइडिया लग जाता। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब दो रास्ते आते हैं तो किधर को जाऊं। इनको लगा जो ईस्ट का जो रास्ता है वो लेके जाएगा बाहर की तरफ से, शारदा नदी को देख के इन्होंने अंदाजा लगाया, तो इन्होंने ईस्ट वाला रास्ता पकड़ लिया। अगर मुझे च्वाइस दी जाए कि अपनी मर्जी से किस रास्ते पे चलना है, तो अप्रैल की सुबह पे मैं जो नॉर्दर्न फेस पे है हिमालय पे, वहां पे वॉक करना पसंद करूंगा। अप्रैल के महीने में जो पूरा नेचर है अपने बेस्ट पे होता है, सारे जो ब्लूम है, सारे जो खिल रहे होते हैं फूल पत्ते, बहुत अच्छे लगते हैं। जो पतझड़ वाले पेड़ होते हैं उनके नए पत्ते अप्रैल में ही आ रहे होते हैं, और जो बुरांश का फूल होता है वो तो अगर आप जब जिस टाइम पे खिला हो उस टाइम पे तो जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती है, ऐसा लगता है जंगल में आग लगी है। एकदम लाल रंग का फूल होता है, उसका रस भी निकाला जाता है, उसको उबाल के, और कोई तरीका है जिससे कि रस भी निकालता है, मेरा जो लैंसडोन वाला कैंप है वहाँ पे स्टाफ भी निकाल लेता है उसको, और बहुत ही हार्ट के लिए उसको बहुत अच्छा मानते हैं, अगर एक गिलास दो गिलास रोज पिया जाए बहुत अच्छा होता है। तो कॉर्ड बोलते हैं जंगल बड़ा खूबसूरत था, अप्रैल का महीना था, लेकिन अगर वहाँ पे मैन ईटर टाइगर हो तो ये सारी खूबसूरती एक साइड में, और आपकी जो अलर्टनेस है, आपको जो दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है, उसके चलते खूबसूरती पे ध्यान नहीं जाता, पूरा ध्यान हर आहट की तरफ होता है। बोले जब खतरा आता है तो वो आपको इतना अलर्ट कर देता है कि आप एक तो अलग तरीके से सोचने लगते हैं, और आप उस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, किस चीज से क्या निकालना है। आप एक पेड़ का मोटा तना देख रहे हैं तो केवल मोटा तना नहीं, उसको आप छुपने की जगह मतलब इस चीज से क्या रिजल्ट आता है, ये दिमाग आपका अलर्ट रहता है जब आपके सामने खतरा हो। लेकिन कॉर्नर बोल रहे हैं अगर आप उस मौसम के आदि हैं उस खतरे के, तो कितना भी खतरा हो ब्यूटी खत्म नहीं होती। बोले अगर एक
सुंदर सा पेड़ है जिसकी की ब्यूटी, जिसमें फूल खिले हुए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उसकी ब्यूटी आप निहार रहे हो। उसके पीछे ही एक चट्टान है जहां आपको उम्मीद है कि टाइगर छुपा हो सकता है, वो भी मैन ईटर। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उस पेड़ की खूबसूरती खूबसूरत नहीं है, वो उतनी ही सुंदर है। अब बोल रहा है एक सुंदर गाना गा रहा है सीबिया। अब उसका गाना आप सुन रहे हैं और एक बबलर्स अलार्म कॉल दे रहा है मैन ईटर के लिए। दोनों की अपनी खूबसूरती है, गाने की खूबसूरती है, बबलर की जो कॉल है उसकी है। लेकिन वो तब जब आपके हाथ में बंदूक हो, बंदूक नहीं होगी ना, तो सिर्फ आप बबलर की कॉल सुनोगे, वो गाने वाने आप भूल जाओगे। क्योंकि जब आप शेर के साथ जंगल में खड़े हो तो बिना हथियार के मैं रहा हूं, मुझे पता है, तब पूरा दिमाग निकलता लगा होता है कैसे निकले, खूबसूरती नहीं दिखती फिर उस टाइम पे। लेकिन जिम कॉर्बेट की बात अलग है, ये तो रहे ही मैन ईटर्स के बीच में है और इनके पास बंदूक भी थी, तो ये खूबसूरती भी देख रहे थे। ये बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भी उस टाइगर उसके दांतों से उतना ही डरता हूँ जितना मैं उस दिन डरता था जब टाइगर ने मुझे और मैगोक को भगा दिया था जंगल के बाहर, क्योंकि वो सोना चाहता था। लेकिन जब मेरे दिमाग में अब वो डर आता है तो मैं उसको इस बात से काउंटर करता हूँ कि वो मेरे पुराने दिन थे जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, आज मुझे एक्सपीरियंस है, तो आज हर कंडीशन से कैसे निपटना है मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। उस टाइम पे वो बोले मैं हर आहट से डरता था, हर आवाज को अटेंशन देता था, आज एक्सपीरियंस से मैं समझ चुका हूँ कि किस आवाज पे ध्यान देना है, किसको इग्नोर मारना है और किस आवाज पे बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना है। अब ये बोलते हैं कि इतने सारे एक्सपीरियंस और सारी चीजों को देख के लगता था कि ये जो मिशन है वहीं जाएगा जहां मैं लेके जाना चाहता हूँ, वरना जंगल के मैन ईटर के जंगल में अकेले घूमना और उसको ढूंढना सुसाइड करने का बहुत ही बकवास तरीका है। अब अप्रैल की सुबह जिस रास्ते पे ये वॉक कर रहे थे, मैन ईटर टाइगर द्वारा यूज किया जाने वाला बहुत ही उसका फेवरेट रास्ता था, इसमें से वो अक्सर गुजरता था, और ये सबूत दिख रहे थे, जो पेड़ों पे स्क्रैच मार्क्स होते हैं साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके अलावा जमीन पे जो पग मार्क थे वो फ्रेश नहीं थे टाइगर के, लेपर्ड के थे, सामर के थे, जंगली सुअर के थे, लेकिन स्क्रैच मार्क बता रहे थे कि टाइगर अक्सर यहाँ से गुजरता है। यहाँ के जो पौधे थे उनकी खूबसूरती के बारे में उन्होंने कॉर्बेट ने बताया है। व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और एक और खूबसूरत बात इन्होंने देखी कि एक घोंसला बनाया था, रहने की जगह बनाई थी हिमालयन ब्लैक बेयर ने एक पेड़ के तने पे जिसमें कि ऑर्चिड उग रहे थे। एक बड़ा सा बांज का पेड़ गिर गया था, या तो तूफान से गिरा होगा या जब बर्फ पड़ी होगी तो बर्फ के भेड़ से टूट गया होगा। भालू जो अपना घोंसला बनाता है वो जनरली ऐसे पौधों में ऐसे पेड़ों में बनाता है जिनकी टहनियां मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है। घोंसला मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर चढ़ के घोंसला बनाता है, लेकिन ऐसी जगह बना लेता है वो जिसमें कि आराम से लेट जाए, थोड़ी टहनियां वहने से गिरा बिछा के गद्दा टाइप का बना लेता है। और जो बांज का पेड़ है भालू का फेवरेट होता है क्योंकि इसकी छांव बहुत ठंडी होती है। छांव ठंडी गर्म कैसे होती है? जिसके पत्ते ज्यादा होंगे उसकी छांव ठंडी होगी क्योंकि धूप नहीं आएगी, जिसमें पत्ते हल्के होंगे धूप हल्की हल्की आ रही होगी तो छांव तो होगी गर्म होगी, ये होता है ठंडी और गर्म छांव का मतलब। अब उस रास्ते पे चलते चलते कॉर्बेट करीब 1 घंटा चले और जंगल से बाहर आ गए और अब उनको एक ग्रासी स्लोप नजर आया, सामने दूर एक गांव नजर आ रहा था। जब ये जंगल से निकल के आ रहे थे गांव वालों ने इनको देख लिया और समझ गए कौन है, पूरा गांव हाजिर हो गया इनका स्वागत करने के लिए। अब इसमें से कुछ लोग इनको जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पूरे विश्व के किसी भी कोने में किसी अजनबी का ऐसा स्वागत कोई करता है क्या, लेकिन कुमाऊं में करते हैं। और कॉर्बेट को उम्मीद थी कि ये शायद पहले गोरे या अंग्रेज आदमी होंगे जो उस गांव में आए होंगे, और जब तक ये वहां पहुंचे एक मोड़ा लगा दिया गया, जो मोड़ा बैठने का होता है उसके ऊपर एक कारपेट सा बिछा दिया गया, और जब तक ये बैठे उसके पहले इनके हाथ में दूध का गिलास थमा दिया गया। पूरी जिंदगी कुमाऊं में गुजारने से इनको कुमाऊनी लैंग्वेज भी अच्छे से आती थी, और कुमाऊनी लैंग्वेज के एक एक भाषा को, एक एक विचार जो आपस में व्यक्त करते थे ये समझ जाते थे कि वो क्या सोच रहे हैं ये मुझे पता हो, ताकि ये अपना वर्जन दे पाए उस पर। अब सबको पता था कि क्योंकि मैं बंदूक टांग के आया हूं तो मैं उस मैन ईटर से उनको छुटकारा दिलाने के लिए आया हूं। लेकिन उन लोगों को जो आश्चर्य हो रहा था वो ये था कि मैं पैदल कैसे आया हूं, और वो भी तब सुबह सुबह आ गया हूं, जो नियरेस्ट बंगलो है वो यहां से 30 मील की दूरी पर है। तो ये आपस में वो बातचीत करके इनका जो कौतूहल था, जो आश्चर्यचकित थे इस बात को लेके थे। जब तक ये दूध पी रहे थे इनकी सिगरेट चक्कर काट रही थी, एक एक सुट्टा सबको ही मार रहे थे, और कुछ सवाल उन्होंने पूछे गांव वालों ने, इन्होंने जवाब दिए, फिर इन्होंने कुछ अपने सवाल गांव वालों से पूछे। अब इन्होंने पूछा भाई गांव का नाम क्या है, पता चला तामली। इस गांव पर मैन ईटर का साया कब से है, जवाब मिला 8 साल, कुछ ने बोला 10 साल। लेकिन वो 8 साल थे कि 10 साल थे, इसमें लोग
सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात पे सहमत थे, उस साल मैन ईटर ने पहली वारदात की थी जिस साल बच्ची सिंह ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते वक्त अपना अंगूठा काट लिया था, और जिस साल दान सिंह जो एक बैल खरीद के लाया था 30 रुपए का, वो पहाड़ी से नीचे गिर के मर गया था। और तामली गांव में जो आखिरी मैन ईटर ने वारदात की थी, जो मारा था, वो कुंदन की माँ को मारा था, और उसको मारा गया था 22 मार्च को। अब कुंदन की माँ नीचे खेत में काम कर रही थी दूसरी एक औरत के साथ, तब टाइगर ने हमला किया था। गांव वालों को ये नहीं पता था कि ये मेल टाइगर है कि फीमेल टाइगर है, लेकिन गांव वालों को ये पता था कि बहुत बड़ा टाइगर है। अब जो जो खेत दूर थे, गांव से हटके थे, वहां कोई खेती नहीं करता था, कोई टनकपुर भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अपने खाने पीने का सारा सामान खेती के अलावा ये लोग टनकपुर से ही लाते थे। टाइगर तामली गांव से कभी भी दूर नहीं जाता था, मतलब जब भी था 4-5-6 दिन में लौट के आता था, और अगर ये काफी देर यहाँ रह गए जैसा कि गांव वाले प्रार्थना कर रहे थे, तो ये पक्का था कि इनका टाइगर से एनकाउंटर होगा। तल्ला देश टाइगर को मारने का इनको लगा सबसे बेहतर ऑप्शन है कि तामली में रहा जाए। इस तरह से लोगों को मैन ईटर की दया पर छोड़ के चले जाना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों को समझाओ तो लोग समझते हैं। उन्होंने अपना रीजन बताया कि भाई मैं वहां जा रहा हूं अभी जहां उसने अपना आखिरी शिकार बनाया है, क्योंकि मेरी उम्मीद है टाइगर वही मिलेगा, और मैं अपनी पहली अपॉर्चुनिटी पे तामली आऊंगा और तुम लोग की मदद करूंगा। तो सब लोग मान गए। अब ये उस ट्रैक पे वापस आया जिससे घना जंगल था, ये बीच बीच में निशान बनाते जा रहे थे। ये ट्रैकिंग वाले भी करते हैं, जब जंगल में दो रास्ते होते हैं और जाने का कुछ नहीं, तो जो आगे निकल जाता है वो एक पत्थर लेके एक चट्टान पे लेफ्ट एरो बना देता है, अगर वो लेफ्ट में गया होता है, दूसरों को गाइड करने के लिए, ताकि उनको रहे कि दूसरा आदमी किधर गया। तो इन्होंने कॉर्बेट ने भी निशान बना दिया था कि मैं किधर गया हूँ, तो उस निशान को मिटाया, क्योंकि अभी वापस लौट रहे थे, फिर इनके आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्योंकि ये उल्टी दिशा में जा रहे थे, तो ये नहीं चाहते थे कि लोग इनको ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, तो उन्होंने क्या रोड क्लोज्ड का साइन बना दिया, ताकि किसी भी तरह से इनके आदमी वहां ना जा पाए, उसी तरफ आए जहां ये अब जा रहे थे। ये कह रहे हैं हालांकि मैंने ये ऐसे साइन में यूज करूंगा अपने आदमियों को बताया नहीं था, लेकिन मेरे साथ रहते रहते उनको पता था, और ये जानते थे कि मैं जो साइन बनाऊंगा वो समझ जाएंगे। पहला साइन इन्होंने पत्ते रख के बनाया था कि पेड़ के पत्तों से कि ऐसे कि किस तरफ जाना चाहिए, और जो रोड क्लोज वाला बनाया था पेड़ की पत्तियों से ही ऐसा पत्तियां रख के ऐसा साइन उन्होंने बना दिया था। अब जो पश्चिम दिशा की तरफ जहां ये जा रहे थे, वहां का रोड काफी काफी इवन था, लेकिन काफी फर्म हो गए थे, जो फर्न होते हैं छोटे छोटे वो इतने थे कि घुटने तक इनके फर्न के अंदर चल रहे थे, और उस घने जंगल में जहां जहां बीच में से ओपनिंग आती थी इतने शानदार नजारे दिखते थे, ये थोड़ी देर देखते थे इनका दिल खुश हो जाता था। तो दोस्तों फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया, अब इस पार्ट को यही एंड कर रहा हूं, कल वाले पार्ट में फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।